लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी जो अभी हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया इसके अंदर ऑप्टिमम प्रोडक्शन रन जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए वी हैव दिस ई मॉडल मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू पी डिवाइड बाय पी माइनस डी स्क्वेयर रूट और इसके बेसिस के ऊपर जब हम इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज डालें तो इधर तो हम एनुअल डिमांड ही यूज़ कर रहे हैं लेकिन इधर हमने एनुअल डिमांड यूज़ नहीं किया है इधर हमने जैसे प्रोडक्शन रेट दिया हुआ है फिफ्टी यूनिट्स पर वीक तो इस सेवन फिफ्टी को हमने कन्वर्ट किया है इन टू वीकली डिमांड के ऊपर विच कम्स टू फोरटीन पॉइंट फोर टू दैट मीन्स कि सेवन फिफ्टी को हमने डिवाइड किया फिफ्टी टू के साथ क्योंकि देर आर फिफ्टी टू वीक्स पर ईयर तो उस बेसिस के ऊपर ये हमारे पास वैल्यू आ गई वीकली डिमांड की तो इसको यूज़ करके जब हमने इसको सॉल्व किया तो इट कम्स टू 215.74 और उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 216 यूनिट्स के ऊपर सो so, जब भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे 216 यूनिट्स का करेंगे रीऑर्डर पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमने क्योंकि लीड टाइम के हिसाब से ले रहे हैं लीड टाइम वीक्स में गिवन है तो डिमांड भी इधर हम री ऑर्डर पॉइंट के अंदर वीकली डिमांड यूज करेंगे तो इसलिए एनअल डिमांड को हमने कन्वर्ट किया इनटू वीकली डिमांड बाय डिवाइडिंग इट विद 52 मल्टीप्लाई बाय द लीड टाइम 95 परसेंट प्रॉबिलिटी के अगेंस्ट जेड की वैल्यू इज वन एंड स्टैंडर्ड डिशन ये हमने किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 104 यूनिट्स की तो रिओर्डर पॉइंट इज 104 एंड मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या आएगी मैक्सिमम इन्वेंट्री इज गिवन क्यू पी मल्टीप्लाई बाईन डी ओवर पी और इस बेसिस के ऊपर क्यू पी इज गिवन विच इज 216 वन माइनस फोर्टीन पॉइंट फोर टू डिट्टी विल गिव अस हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन उसको राउंड ऑफ किया 154 यूनिट्स हमारे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री के आ जाएंगे सो बेसिकली व्हाट वी हैव इज हमारे पास क्वांटिटी भी आ गई रिओडर पॉइंट भी आ गया मैक्सिमम इन्वेंट्री भी आ गई इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट जो है जैसे मैंने बताया था कि आपके इसकी जो वो है एवरेज आप लेकर मल्टीप्लाई करेंगे विद एच तो उस बेसिस के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री का एवरेज लिया और इसका फोर सेवेंटी नाइन पॉइंट फोर सिक्स होल्डिंग कॉस्ट आ रही है इसके अंदर हमने सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट नहीं डाली हुई uh, इसके अंदर अगर हम सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट डाल दें तो ये इंक्रीज हो जाएगी सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट इज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग सेफ्टी स्टॉक विच इज डिटर्मेंट इन रीऑर्डर पॉइंट और उसके साथ ये थर्टी फाइव डॉलर से मल्टीप्लाई कर देंगे और पॉइंट टू फाइव से तो इसकी हमारे पास सेफ्टी स्टॉक की भी होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी वो इसके अंदर सम हो जाएगी तो हमारे पास टोटल एनअल होल्डिंग कॉस्ट इस पॉलिसी की आ जाएगी इसको ग्राफिकली जो हमने पहले भी किया था उसके बेसिस पर अगर करके देखें तो हमारे पास डिमांड रेट और प्रोडक्शन रेट आ गए देन वी हैव दिस मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल जो हमने अचीव uh, करेंगे रीऑर्डर पॉइंट ये हमारी लीड टाइम है जो कि गिवन है और जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 216 मैक्सिमम इन्वेंट्री इज़ 154 एंड री ऑर्डर पॉइंट इज 104 सो तो दिस इज़ बेसिकली नॉन इंस्टेंटेनियस री सप्लाई के एग्जांपल uh, जो है ये उसका सलूशन है